गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सबका स्वागत है मेरे गार्डन में। और आज की वीडियो की शुरुआत करती हूँ सुंदर से गुलदावरी फ्लावर के साथ। तो आज मैं ये वीडियो सुबह सुबह बना रही हूँ। छत पर आई थी कुछ काम से, तो देखा फूल बड़े अच्छे खिले हैं, तो हम सोचे क्यों ना एक छोटा सा अपने गार्डन का ओवरव्यू दे दिया जाए। और एक साथ इतने सुंदर फ्लावर खिले हैं, तो हम सोचे क्यों ना आप लोग के साथ शेयर किया जाए इस टाइम। और यहाँ मेरा ये गोमफेनो बड़ा सुंदर खिला हुआ है। और यहाँ मैंने अपने गार्डन में दीवार के तरफ जो गुलदावरी लगाई थी, वो देखिए ये भी खिल गई है और ये खिलने जा रही है। और साथ में देखिए ये सनफ्लावर। सुबह सुबह का समय है, सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो फ्लावर कितने सुंदर लग रहे हैं। और इधर मेरे ये पिटूनिया खिल रहे हैं। सभी में फ्लावरिंग शुरू हो गई है। और अभी भी देखिए ओस पड़ रखी है, क्योंकि सुबह का टाइम है। और इन पे पड़ी हुई ओस की बूंदें बड़ी ही सुंदर लग रही हैं सभी फूल। और ये यहाँ तो बहुत ढेरों फूल खिल रहे हैं। यहाँ मेरे मैरीगोल्ड हैं, तो यहाँ पर मैंने कल थोड़ा अरेंज करी थी, यहाँ पे मैरीगोल्ड लगा दी हूँ। और यहाँ मैंने अपने ये वर्बीना लगाई हूँ। दो में बस फ्लावरिंग हो रही है, बाकी में बर्ड्स बन रही है। तो यहाँ पर इस तरह से ये मेरे गार्डन का लुक आ रहा है। और यहाँ देखिए मेरा ये रोज़ खिलने वाला है, और ये ऑरेंज कलर का खिल चुका है और ढेरों कलियाँ आ रही हैं फ्रेंड। और ये मेरे पुराने रोज़ हो गए हैं, और बडिंग भी बहुत अच्छी आ रही है। और इधर यूफोर्मिलिया, और देखिए आलमंडा मेरे गार्डन में इस दिसंबर के महीने में भी खिल रहा है। और ये मेरा कॉक्सकॉम है। सुबह सुबह इतने सारे फूल देख के मुझे बहुत अच्छा लगा है। और बड़े प्यारे प्यारे फूल खिल रहे हैं। मेरा अफ्रीकन डेजी में तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और देखिए इम्पेशन में अपनी अभी उतनी ग्रोथ नहीं हुई है, लेकिन फिर भी फूल खिलने शुरू हो गए हैं। और ये मेरा बिगोनिया है, जो मैं ट्रांसप्लांट करी थी, तो अब इसमें फूल खिलने शुरू हो गए हैं। और आज तो पिंक वाला मेरा डेजी है, हिबिस्कस भी खिला है, अभी ढेरों कलियाँ आ रही हैं। और ये देखिए ये हाइब्रिड वाला रेड हिबिस्कस है, ये भी दिन में खिलेगा, सुबह सुबह नहीं खिलता है। और ये मेरा देसी पिटूनिया। और इधर मेरे डॉग फ्लावर में भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है, और बड़े सुंदर सुंदर कलर निकले हैं। और ये मेरे डेजी फ्लावर खिलने वाले हैं। स्पेंट फ्लावर हटा दी थी मैं। और यहाँ मेरे ये पेंटास के रखे हुए हैं। और गजानिया में भी बडिंग आ गई है, ओपनिंग होने वाली है। और ये मेरे पेंजी हैं, देखिए कितने सुंदर सुंदर खिले हैं। और इसमें साथ में मेरे धनिया भी हो रही है। और ये मेरे कैलेंडुला एक साथ अब भर के फूल खिल रहे हैं, और बड़े सुंदर लग रहे हैं। और ये डार्क ऑरेंज कलर का है। और ये मेरा पंचमुखी येलो हिबिस्कस है। फ्लावर का साइज अभी बहुत छोटा है होता है। और यहाँ मेरे रोज़ थोड़े बहुत खिल रहे हैं। नीचे ये देखिए फ्लावर स्पेंड हो गए हैं, ये फ्लावर खिल के अब गिर रहा है। और इधर मेरा ये पिंक वाला है, बहुत बड़ा इसका साइज़ होता है फ्लावर का। और ये मेरा रेड कलर में है, पिंक में। और ये बडिंग है, और देखिए कितने सारे कलियाँ खिल रही हैं। एक फूल तो बहुत बड़ा खिला है इसमें। और इस वाले में तो अभी कली आ रही है। तो अभी रोज़ फ्लावर बहुत कम खिल रहे हैं मेरे गार्डन में। छोटी सी ही वीडियो बना रही हूँ, सिर्फ फूल बहुत खिले हैं। ये सुबह सुबह की आप सबको मेरी तरफ से नमस्ते है। सुबह सुबह जब सूरज की रोशनी फूलों पे पड़ती है, तो बड़े ही सुंदर लगते हैं दिखने में। और यहाँ कुछ इस तरह से मेरा गार्डन दिख रहा है फ्रेंड, देखिए। और यहाँ मैंने ये कल कुछ थोड़ा सा अलग चेंज करी हूँ, सभी फ्लावर को एक साथ रखती हूँ, तो बड़ा सुंदर लग रहा है। तो आज की वीडियो बस इतनी ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड।